अस्सलामुअलैकुम। आपने देखा ही होगा बकरा ईद के समय दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की हकीकत। आज से तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे और उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें, अल्लाह अपने खास बंदों का और नबियों का इम्तिहान लेते थे ये देखने के लिए इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता है, अल्लाह से या अल्लाह की दी हुई तोहफों से। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया था वो पूरा हो गया है। रात को जब वो सोए तो उन्हें फिर से वही सपना आया। इसीलिए अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। लेकिन अगली रात उन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया है। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्हें याद आया, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरा बेटा इस्माइल है। दोस्तों हम आपको बता दें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में उन्हें औलाद हुई थी। वो थे उनके बेटे इस्माइल जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीज और महबूब थे। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे अल्लाह ने उनसे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा, हमारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला कर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। बीबी हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से नहला कर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कोई अल्लाह की इताअत करे। इसीलिए वो अपने काम में लग गया और एक बुजुर्ग की शक्ल लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास गया और कहा, इब्राहिम ने तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि कुर्बानी देने के लिए लेकर गया है। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई और वो समझ गई ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा और उन्होंने शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशनसीबी है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे हजारों बेटे भी होते तो मैं उन्हें खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जरा सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तब वो सीधा इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहा है। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या ही खुशनसीबी की बात होगी कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। एक 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, तुम्हें ये बेटा कितनी दुआओं के बाद मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसा मत करो। शैतान उन्हें हर तरह से बार बार भड़काने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारा। यही वजह है जब भी लोग हज पर जाते हैं तो वो आज भी शैतान को कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक हैं। शैतान के जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बातें बताई। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा
अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है। आप मेरे हाथ पांव बांध दीजिए और अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध लीजिए, ताकि जब आप मुझ पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने में मुकर ना जाएं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और अपनी आँखों में पट्टी भी बांध ली। और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाया, तब वो एक जानवर की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए। और जब आँखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़बा पड़ा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाले नस्लों के लिए इबरत बनाया। इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करता है। बकराईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं, उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, बकराईद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं। यही साल का एक लौता दिन होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकराईद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना ताकि इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।